Dear student, today I teach you another question on straight line method. Question number 4. A Limited purchased a machinery on 1st April 2015 for rupees 1 lakhs. On 1st July 2016 purchased another machinery for rupees 2,50,000. On 1st October 2019 sold one machine for rupees 25,000, which purchased on 1st April 2015. Depreciation charge 15% per annum. On straight line method, prepare machinery account for 31st March 2020. फिर से समझिए, A Limited ने एक मशीन परचेज किया कब? 1 अप्रैल 2015 को कितने रुपये का? 1,00,000 रुपये का. और फिर एक मशीन 1 जुलाई 2016 को खरीदा कितने रुपये का? 2,50,000 रुपये का. 1 अक्टूबर 2019 को उसने एक मशीन जो 1 अप्रैल 2015 को खरीदा था उसको कितने में बेच दिया? 25,000 रुपये में. डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है कितना? 15% पर एनम. ऑन स्टेट लाइन मेथड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 31st मार्च, मतलब 31st मार्च 2020 तक आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है. फिर से समझिए, ए लिमिटेड ने एक मशीन खरीदा कब? 1 अप्रैल 2015 को 1,00,000 रुपये में. और फिर एक मशीन खरीदा 1 जुलाई 2016 को 2,50,000 रुपये में. 1 अक्टूबर 2019 को उस मशीन को 25,000 में बेच दिया जिसको कितने में खरीदा था. देखिए, 1 अप्रैल 2015 को कितने में खरीदा था? 1,00,000 रुपये में. उसको 1 अक्टूबर 2019 को कितने में बेच दिया? 25,000 रुपये में. डिप्रिसिएशन चार्ज कितना है आपको? रेट 15% पर एनम. स्टेट लाइन माने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जो आपको अभी बता रहे हैं, जिसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्टेट लाइन मेथड हम लोग बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इसी को हम लोग बोलते हैं. तीन नाम है, इसी को बोलते हैं स्टेट लाइन, इसी को बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसी को बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. तो ये फिक्स्ड है, मतलब डिप्रिसिएशन हर बार चार्ज होगा उसका कॉस्ट पर, जितना उसका लागत लगा उसी पर चार्ज होगा. और आपको कब तक बनाना मशीनरी अकाउंट? 31 मार्च 2020 तक. देखिए, मशीनरी अकाउंट बनाए आप एक मशीन जो है, क्वेश्चन के अनुसार देखिए आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ए लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑन 1st अप्रैल 2015 फॉर रुपीज 1 लाख. तो देखिए, दो आपका एंट्री क्या होगा? जनरल एंट्री, मशीनरी अकाउंट या टू बैंक अकाउंट. देखो बेटा, आज टोटल ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होता है क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया है. इसलिए क्या है कि कैश के जगह बैंक लिखा गया. ऐसे भी रूल है कि अबव 20,000 का जहां पेमेंट होता है वहां चेक से पेमेंट होता है, कैश नहीं होता जनरली. तो हम लोग क्या करते हैं, कैश के जगह बैंक अकाउंट लिखिएगा. तो आप एंट्री कीजिएगा क्या क्या, व्हेन मशीनरी परचेज, तो आप एंट्री करते हैं मशीनरी अकाउंट डियर टू बैंक अकाउंट. आपने 1,00,000 रुपये का मशीनरी खरीदा, आपका रियल अकाउंट बोलता है कम शुड बी डेबिटेड एंड गोल्ड शुड बी क्रेडिटेड. तो क्या आपके पास आया? मशीनरी आया. और क्या चीज चला गया? बैंक से पैसा कट गया. तो नेचुरली आपका 1,00,000 रुपये का आपने मशीन खरीदा कब? 1 अप्रैल 2015 को. इसका कब होगा ईयर एंडिंग? देखिए, फाइनेंशियल ईयर चलता है. फाइनेंशियल ईयर कब से चलता है? 1 अप्रैल से लेके 31st मार्च नेक्स्ट ईयर. तो 31st मार्च की इसका एक साल हुआ. तो आपका 1,00,000 रुपये का 15% आपका डिप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो 1,00,000 रुपये का 15% कीजिएगा तो 15,000 डिप्रिसिएशन होगा. और आपका मशीन का वैल्यू कितना बच जाएगा? जब 1,00,000 का मशीन है और उसमें 15,000 रुपये आपका डिप्रिसिएशन है, तो नेचुरली आपका मशीन का वैल्यू घट के कितना हो जाएगा? 85,000. फिर से समझिए, आपने एक मशीन खरीदा 1 अप्रैल 2015 को, कितने रुपये का खरीदा था? 1,00,000 रुपये का. और उसका डिप्रिसिएशन कितना है? स्ट्रेट लाइन मेथड यानी फिक्स्ड मेथड पर 15%. तो 31 मार्च 2016, एक साल हुआ, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, बाई डिप्रिसिएशन कितना होगा? 15% और 1 लाख. तो 1 लाख का 15% कीजिएगा तो 15,000 होगा नेचुरली. और बाकी जो अब मशीन का डिप्रिसिएशन हो गया 15,000, तो मशीन का वैल्यू कितना बच गया? 85,000. इसको हम लोग कैरी डाउन से बोरो डाउन करेंगे. इसी बैलेंस, देखिए 31 मार्च के बाद फिर नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल. तो 2016 का 1 अप्रैल को बैलेंस बीडी कितना होगा? बोरो डाउन 85,000. फिर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, 2016 का जुलाई में एक मशीन आपने खरीदा कितने रुपये का?
250,000। फिर से समझिए, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन 1st जुलाई 2016 अनदर मशीनरी परचेज फॉर ₹2,50,000। तो आप फिर कीजिएगा मशीनरी परचेज करते थी होगा मशीनरी अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, और 1 जुलाई 2016 को आपने खरीदा तो टू बैंक अकाउंट 250,000। अब आइए 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 होगा एक साल, होगा कि नहीं फाइनेंशियल ईयर। तो बाय डिप्रिसिएशन देखिए, और स्ट्रेट लाइन है तो 15% जो है वो 1 लाख पर ही चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। गलती से मत कर दीजिएगा कि 85,000 पर, वो डिमिनिशिंग बैलेंस में होगा जब बताएंगे क्वेश्चन। अभी फिक्स मेथड पर है तो और कॉस्ट कितना होगा 1 लाख, तो 1 लाख का 15% फिर कितना होगा नेक्स्ट ईयर में 15,000। दूसरा मशीन आप कब खरीदे? जुलाई में खरीदे। फिर से समझिए, तो देखिए हमने लिखा 15% और 2,50,000 पर 9 मंथ। आप गिनिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ। तो 9th मंथ का आप कैलकुलेशन कीजिएगा, एक साल का कैलकुलेशन नहीं करना, 9 मंथ ही रहा क्योंकि 1 जुलाई को आपने खरीदा, 1 अप्रैल को तो नहीं खरीदा। ये मशीन 1 अप्रैल से 31 मार्च है, ये मशीन 1 अप्रैल से 31 मार्च है, लेकिन ये मशीन 1 जुलाई से 31 मार्च है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ होगा, तो इसका आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिएगा तो 28,125 होगा। ठीक है, अब समझिए फिर आपका मशीन का वैल्यू कितना था बाबू, 85,000, डिप्रिसिएशन कितना हो गया 15,000, तो मशीन का वैल्यू कितना बचेगा 70,000 बचेगा। फिर से समझिए, जैसे यहाँ पर मशीन का दाम था 1 लाख, आपका डिप्रिसिएशन हुआ 15,000, तो मशीन का दाम कितना हो जाएगा 85,000। अब आपका ये 85,000 का मशीन था और उसमें 15,000 डिप्रिसिएशन हो गया, तो मशीन का वैल्यू कितना बच गया 70,000। दूसरा मशीन जो आपने परचेज किया 1 जुलाई को, उसका दाम था 2,50,000 रुपया, उसमें से आपका डिप्रिसिएशन कितना कट गया 28,125। तो 2,50,000 में 28,125 डिप्रिसिएशन हो गया, तो उसका वैल्यू बच गया 2,21,875। फिर से समझे, 2,50,000 में से 28,125 को लेस कर दीजिए तो आपका बैलेंस आएगा 2,21,875। ये दोनों को जोड़िएगा, 70,000 पहला मशीन का बैलेंस है, दूसरा मशीन का बैलेंस है 2,21,875, टोटल हो गया 2,91,875। फिर से समझिए, पहला मशीन पर आपका 15%, तो 1 लाख का ही 15% होगा, ना कि 85,000 का, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जो उसका कॉस्ट है उसी पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। और दूसरा 15% और 2,50,000 है, लेकिन ये कब खरीदे आपने डेट को देखिएगा, ये 1 जुलाई को आपने खरीदा है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ होगा, तो 9 मंथ का आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो नेचुरली 12 मंथ का नहीं करना है, 9 मंथ का कीजिएगा तो आपका 28,125। तो आपका बैलेंस कितना बचेगा, पहला मशीन का दाम 85,000 बचा था, उसमें 15,000 डिप्रिसिएशन हो गया, तो अब 70,000 बच गया, 85 में से 15 लेस कीजिएगा तो 70 होगा। दूसरा 2,50,000 में आपको 28,125 डिप्रिसिएशन हुआ, तो आपका बैलेंस बचा 2,21,875। और ये दोनों जो बैलेंस बचे इसको टोटल कर रहे हैं डिस्टिंग्विश करके, तो आपका हो रहा है 2,91,875। देखिए फिर से समझिए कि आपका आपका देखिए मशीनरी अकाउंट में नहीं किया, 2017 के 31 मार्च का बैलेंस को हम लोग 2017 1 अप्रैल को ले जाएंगे। पहला मशीन का बैलेंस कितना बचा 70,000 और सेकेंड मशीन का बैलेंस बचा था 2,21,875। आप दोनों को हम जोड़े तो वही 2,91,875 आया। आप 2018 देखिए 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 2018 एक साल हुआ, तो डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे 15% ऑन 1 लाख। हमने बोला जो कॉस्ट है उसी पर होगा, तो कॉस्ट आपका पहला मशीन का 1 लाख है, तो 1 लाख 1 लाख का 15% 15,000 हुआ। दूसरा मशीन भी देखिए पूरा साल रह गया 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 15% ऑन 2,50,000। दूसरा मशीन का दाम कितना था 2,50,000, 2,50,000, तो 2,50,000 का 15% निकालेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर में पिछला साल में वो 9th मंथ ही था, क्योंकि खरीदाया कब था 1 जुलाई 2016 को, और 31 मार्च 2017 उसका हो रहा 9 मंथ। अब ज्यादा फिर से गिनाते हैं,
जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 मंथ का निकाल, यहाँ पूरा ईयर का निकलेगा, तो 15% और 2,50,000 का आपका होगा 37,500, 37,500। अब बैलेंस सीडी कितना बचा देखिए, पहला मशीन का दाम कितना बचा था 70,000, 70,000 में 15,000 डिप्रिसिएट कर दिया तो कितना बच गया 70,000 में से 15,000 लेस कीजिएगा तो 55,000 होगा। दूसरा मशीन का दाम था 2,21,875 बैलेंस था, उसमें डिप्रिसिएशन कितना हो गया 37,500, तो 2,21,875 में 37,500, 37,500 घटा दीजिएगा तो 1,84,375। अब ये दोनों को जोड़िए, इसका पहला मशीन का बैलेंस है 55,000 और दूसरे मशीन का है 1,84,375, टोटल इज 2,39,375 आपका बैलेंस है। फिर इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, फिर समझिए 31 मार्च 2018 इसको फिर ले जाएंगे 1 अप्रैल 2018 में, ठीक है। देखिए फिर हम लोग ले जाएंगे जो बैलेंस आया 31 मार्च 2018 को मेरा बैलेंस आया था, उसको 1 अप्रैल में ट्रांसफर करेंगे। पहला मशीन का कितना आया था बैलेंस सीडी 55,000 और दूसरे मशीन का आया था 1,84,375, दोनों का टोटल मेरा आया था क्लोजिंग बैलेंस था 2,39,375 1 अप्रैल को। इसका फिर ईयर एंडिंग कब होगा 2019 का 31 मार्च, हम 31/3 लिखे हैं, इसको पॉइंट मत समझिएगा, 31 मार्च को हम लोग 31/3/2019 लिख सकते हैं, 2019 हम ऊपर में लिखे इसलिए 31.1 सोचिएगा 31/3। आपका डिप्रिसिएशन पहला मशीन का कितना होगा 15% ऑन 1,00,000, उसका ओरिजिनल कॉस्ट 1,00,000 है तो 1,00,000 का 15% 15,000 हुआ और दूसरा मशीन का कॉस्ट था 2,50,000, ये भी कंप्लीट ईयर का है, देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, तो आपका 37,500। अब बैलेंस सीटी कितना बच गया देखिए, फिर समझिए ये मशीन का दाम कितना था 55,000, इसमें डिप्रिसिएशन कितना हो गया 15,000, तो बचा कितना उसका वैल्यू 40,000। दूसरा मशीन का था 1,84,375, उसमें 37,500 क्या हुआ डिप्रिसिएट कर गया तो बच गया 1,46,875। समझ लीजिए फिर से, पहला मशीन का आपका कितना बैलेंस बचा था 55,000, उसमें 15,000 डिप्रिसिएट हो गया 55,000 में से 15,000 घट गया तो कितना बचा 40,000। दूसरा मशीन 1,84,375 रुपये का, जिसमें 37,500 डिप्रिसिएशन हो गया तो आपका बैलेंस बच गया 1,46,875 रुपया, तो टोटल कीजिए 40,000 और 1,46,875, टोटल आपका बैलेंस हो गया 2,39,375, ठीक है। देखिए फिर हम लोग 31 मार्च 2019 का बैलेंस को हम 1 अप्रैल 2019 में ले आएंगे, तो बैलेंस भी होगा सीडी से, पहला मशीन का दाम कितना 40,000 और दूसरे मशीन का दाम बच गया 1,46,875, 1,46,875, टोटल हो गया 1,86,875। अब देखिए आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 2019 को उस मशीन को 25,000 में बेच दिया गया जिसको खरीदा कब गया था 1 अप्रैल 2015 को। आपका क्वेश्चन में क्या बोला कि 1 अप्रैल 2015 को जो मशीन को आपने खरीदा था 1,00,000 रुपए में, उसको 1 अक्टूबर 2019 को कितने में बेच दिया आपने, आपने बेच दिया उसको 25,000 रुपए में। तो देखिए जब आप मशीनरी परचेज करते हैं तो आप क्या लिखे मशीनरी अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, और जब बेचिएगा तो होगा बैंक अकाउंट या टू मशीनरी अकाउंट। आपको मैंने ये बताया था रियल अकाउंट में व्हेन एसेट्स परचेज तो एसेट्स अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, एंड व्हेन एसेट्स सोल्ड देन बैंक अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट। तो मशीनरी एक एसेट्स है, संपत्ति है, तो आप बेच रहे हैं, जब खरीदते हैं तो क्या लिखते थे मशीनरी अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, और मशीनरी आया और बैंक गया, अब मशीनरी को आप बेच रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा, क्या पैसे आएंगे बैंक अकाउंट या टू मशीनरी, तो मशीनरी का लेजर फॉर इसलिए बाई बैंक हुआ, आपने सोल्ड किया, देखिए मैं लिख दिया 25,000 में, ठीक है। मशीन कब से कब तक था 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने रहा, तो डिप्रिसिएशन 15% ऑन 1,00,000 कितने दिनों का चार्ज होगा 6 महीने का, क्यों 6 महीने का होगा
फिर से समझिए, आप मशीन को कब बेच रहे हैं, 1 अक्टूबर 2019 को, 1 अप्रैल 2019 से 1 अक्टूबर 2019 आप कैलकुलेट कीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ, तो 6 महीने का होगा। देखिए पूरे साल का 15,000 हो रहा था, तो आधे साल का कितना होगा, 7,500 होगा, फुल ईयर का हो रहा था 15,000, 12 मंथ का, तो 6 मंथ का ऑब्वियसली आपका होगा 7,500। ठीक, फिर से समझिए, आपका मशीन का दाम कितना था, 40,000, आपने मशीन पर डिप्रिसिएशन कितना हुआ, 7,500, तो 40 में 7,500 घटाइएगा तो 32,500 आपका दाम होना चाहिए। फिर से समझिए, आपका मशीन का दाम था 40,000, ठीक है, और इस पर डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 7,500 आपका डिप्रिसिएशन हो गया, तो मशीन का दाम एक्चुअल में आपको बच गया 32,500 और आपने उसको बेच डाला 25,000 रुपये में, तो आपको 7,500 लॉस हुआ। फिर से समझिए, आपको बेचना बिकना कितने में चाहिए था, 32,500। फिर से समझिए, मशीन का दाम था 1 अप्रैल 2019 को 40,000 रुपया, आप बेच रहे हैं 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर तक डिप्रिसिएशन हो गया आपको 7,500, तो 40,000 में 7,500 डिप्रिसिएशन घटेगा तो उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए, 32,500, लेकिन आपने बेच डाला कितने में, 25,000 रुपये में, तो आपका लॉस कितना हो गया, 32,500 में बेच आपका कॉस्ट है और बेच दिए 25,000 में, तो आपको 7,500 रुपये लॉस हुआ, इसीलिए लिखा पीएल अकाउंट लॉस, आपको लॉस हुआ 7,500। दूसरा मशीन है, ये तो पूरा साल रहा 31 मार्च 2020 तक, तो इस मशीन पर 15% के दर से, ये मशीन तो रह गया इसको तो बेचे नहीं, 2,50,000 का 37,500 का, आप बैलेंस शीट कीजिएगा तो आपका, देखिए फिर समझिए, दूसरा मशीन का दाम था 1,86,875, जिसमें 37,500 आप लेस कीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1,09,375, यही आपका 31 मार्च 2020 का बैलेंस हुआ जो आपको क्वेश्चन में बोला। कहीं यदि इसमें कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में हमको भेजिएगा, क्योंकि आप लोग न्यू कॉमर्स हैं, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम तो होगा ही कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में, इस हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो हम लोग को भी प्रॉब्लम होती थी, ऐसा तो नहीं कि हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होती थी, प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रॉब्लम होगा तभी जब आप बनाएंगे। बेटा एक चीज जान लो, लाइफ में तभी प्रॉब्लम आता है जब आगे बढ़ते हो, यदि आगे नहीं बढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है प्रॉब्लम से नहीं डरना है, सोल्यूशन करना है, यही लाइफ का मेन मोटो होना चाहिए, कितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आए मैं उसका सोल्यूशन करूंगा, यही मेरी जीत है, इसलिए डरना नहीं है, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं आपको, हर चीज क्लियर कर दूंगा। हम देख रहे हैं यदि किसी भी सरकार का आदेशानुसार यदि कॉलेज खुल जाती है तो मैं फिर से जीरो से स्टार्ट करूंगा, अभी चूंकि ऐसा सिचुएशन है कि हम लोग भी लाचार है, आप लोग भी लाचार है, हम समझ रहे हैं आपको बहुत अच्छा से क्लियर नहीं भी हो रहा है, लेकिन अभी आपको भी कॉपरेट करना और मेरे को भी कॉपरेट करना, ऐसा नहीं कि हम लोग का कॉलेज खुलेगा नहीं और ऐसे ही होगा नहीं, कुछ दिन और है, हो सकता है दिसंबर नहीं तो जनवरी में कॉलेज खुलेगा, जैसे ही कॉलेज खुलेगा मैं आपको एक एक प्रॉब्लम को क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी केवल आप लोग घर में स्टडी करें, जहां पर प्रॉब्लम आए आप लोग हमको फोन करके और नहीं तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछिएगा, अभी इसी तरह से चलेगा ऑनलाइन, क्योंकि अभी जब तक कॉलेज नहीं खुलता तब तक, जिस दिन कॉलेज खुलेगा मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपको जीरो से स्टार्ट करके पूरा कंप्लीट कर दूंगा, केवल आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़िएगा तभी कुछ सीखिएगा और तभी प्रॉब्लम आएगा, यदि नहीं पढ़िएगा तो प्रॉब्लम आएगा कहां से, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी प्रॉब्लम आएगा। अभी आपको मान लीजिए क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, आप एग्जाम्पल को देखिए, इस तरह आस्ते 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 सीख जाइएगा, हम भी कुछ नहीं जानते थे, जीरो से स्टार्ट किए हैं कॉमर्स, हम साइंस के स्टूडेंट थे, तो ऐसे ही होता है, सीखना पड़ता है और सीख जाइएगा, आप स्टूडेंट ही तो आईएएस बनता है, टीचर थोड़ी आईएएस बनता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, स्टूडेंट बहुत आगे बढ़ता है, हम लोग तो माइलस्टोन है, हम लोग तो एक ही जगह रह जाते हैं, आप लोग ही बढ़ते हैं, इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, मेरा विशेष है कि आप लोग बहुत अच्छा से कर पढ़िएगा और आगे पढ़िएगा, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत कीजिए। थैंक यू।